दोस्तों सबसे पहले आप YouTube को ओपन करें और सर्च करें सोनू राजपूत ऑफिशियल। सबसे पहला ही ऑप्शन आ जाएगा सोनू राजपूत ऑफिशियल। ओपन होने के बाद इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अगर हमारी नई वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले आप देख सकें। दोस्तों आज का सवाल है कि इंजीनियर जो हैं बहती हुई नदी के ऊपर पुल कैसे बना लेते हैं। दोस्तों पुलों को पानी के ऊपर अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है क्योंकि पानी का स्तर देखना होता है, मिट्टी गुणवत्ता को जांचना होता है। दोस्तों पहले विधि का उपयोग उन पुलों के लिए किया जाता है जो कम गहराई वाले पानी में निर्मित होते हैं। कम गहराई वाले पानी में अस्थायी रूप से अवधि के लिए विशेष स्थान को भरकर पुल की नींव रखी जाती है जिस पर पियर्स एक प्रकार का स्तंभ बनाया जा सकता है। अन्यथा जब एक पुल के निर्माण के लिए मिट्टी ऊपर परत में अनुकूल नहीं होती है तो अस्थायी रूप से रिसावों को खड़ा किया जाता है और नदी के तल के अंदर गहरे गड्ढे बनाए जाते हैं। फिर पुल का निर्माण या तो पहले से निर्मित चबूतरे से या पानी में अस्थायी प्लेटफॉर्मों कीचड़ द्वीपों से या बाजारों के माध्यम से किया जाता है। दोस्तों अगला तरीका जो है गहरे जल निकाय यानी नदी या समुद्र में अगर पुल बनाना पड़ता है तो उसके लिए क्या क्या तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। एक अक्षेत्र को घेरने वाली दीवार को पानी के अंदर बनाया जाता है। पानी को लगातार अक्षेत्र से बाहर पंप किया जाता है। उसके बाद कम्फर्ट डैम के अंदर पुल खंभे की नींव का निर्माण किया जाता है जैसा कि निर्माण स्थल समुद्र या नदी। दोस्तों पानी के उच्च ज्वार की जांच करने के लिए कोफर्ड के बाहर 24 घंटे की निगरानी आवश्यक होती है। इस तकनीक का उपयोग करने वाले पुल काफ़ी मजबूत होते हैं जो भारी भार उठाने में सक्षम होते हैं। और दोस्तों अंतिम तकनीक है उसे केस ड्रिलिंग कहा जाता है। यह सबसे एडवांस तकनीक होती है। इस तकनीक में वाटर टाइट चैम्बर हवा के दबाव की मदद से पानी को दूर रखा जाता है। फिर एक सील वन ट्यूब कक्ष के अंदर फिट की जाती है। उसके बाद ट्यूब के अंदर एक लंबी ड्रिल लगाई जाती है। फिर ड्रिलिंग प्रक्रिया शुरू होती है। इस प्रक्रिया के दौरान भरा जो पानी है उसको बाहर किया जाता है। इसके बाद केस को छेद में डाला जाता है जो अतिरिक्त सहायता देने के अंदर ड्रिल किया जाता है। इस तरह एक स्थिर फ्रेम बनाया जाता है। ये फ्रेम जो है कंक्रीट से भरा हुआ होता है। दोस्तों तब जाकर खम्भे बनते हैं और फिर बनता है पुल। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।